आलिया भट्ट यूथ आइकॉन मानी जाती हैं, जो वो पहनती हैं, करती हैं, बहुत सारे यूथ जो है उनसे इंस्पायर होता है और उन्हें फॉलो करता है। कल के एक शूट में जब वो शूट करके निकल रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसा पहना था जिसकी वजह से वो वार्डरोब मॉल फंक्शन का शिकार हो गई। लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है उन्हें ट्रोल भी किया और ये भी कहा कि आपने इस तरह के कपड़े कैसे पहन लिए। आप सभी जानते ही हैं कि आलिया जो है फिलहाल गंगूबाई काठियावाड़ी का जो एक स्केड्यूल था वो खत्म कर चुकी हैं और उसके बाद अपने नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। उन्होंने एक हॉलीवुड एजेंसी भी साइन की है और यानी कि साफ बात है कि आलिया हॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती है और ये एजेंसी ओपरा विनफ्रे जैसे कई हॉलीवुड सितारों का, अगर मैं कहूँ तो सेलिब्रिटीज का काम देखती हैं। तो कल आलिया जो है एक जगह अपनी शूटिंग के लिए गई हुई थी और वहाँ से वापस आते हुए शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स या पैपराजी होंगे जो उनको कैमरे में कैद करेंगे। और उन्होंने दरअसल शॉर्ट्स पहनी हुई थी, ब्लैक, और एक लॉन्ग जो है नेट वाला शायद ट्यूनिक था। और जब कैमरामैन्स ने, पैपराजी ने उन पर लाइट डाली और उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश की तो वार्डरोब मॉल फंक्शन, अगर मैं कहूँ तो उनका टॉप शायद जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था, जिसकी वजह से वो इस तरीके से उभर कर आए और इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई। लेकिन एक बात तो तय है कि आलिया जो है वो बहुत ज़्यादा बिंदास और बेबाक है। लेकिन उनकी ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई तो लोगों ने ये भी कहा कि आप इस तरह के कपड़े पहनकर जो है पब्लिक में कैसे जा सकती हैं, आप एक यूथ आइकन हैं, आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या पहन रही हैं। हो सकता है कि आलिया जो है एकदम कैजुअल थी, अपने घर की तरफ जा रही थी और जैसे ही पैपराजी को देखा भी तो भी उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको एक साइड करके किनारे करके उनको जो है गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बैठने के बाद जो है आलिया ने मीडिया को और फोटोग्राफर्स को पोज दिए। लेकिन तब तक उनकी ये जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो चुकी थी।